हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। 2022 आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए। 2014 में देश की सत्ता पर काबिज हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, लेकिन ये दावे जुमले ही साबित हुए हैं। देश का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो मोदी सरकार में ठगा ना गया हो। पीएम मोदी सरकार एक और जहां 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का दावा करती रही है, तो वहीं एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार के इस दावे की पोल खोल के रख दी है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM की माने तो 4 सूबों में किसानों की आय बढ़ने की बजाय 30% तक घट गई है। SKM की तरफ से ये दावा संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। शनिवार को किसान मोर्चा ने कहा, जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और उर्वरकों की कीमतों में इजाफा किया गया है, उससे साफ है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। कई किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे SKM के बयान के मुताबिक, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन बढ़ी हैं। चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की जा चुकी है। संसद की एक स्थायी समिति ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के केंद्र के बयान को बेनकाब कर ये खुलासा किया कि 4 राज्यों में किसानों की आय बढ़ने के बजाय 30% तक घट गई। पिछले 3 साल में कृषि मंत्रालय मंजूर बजट को खर्च करने में नाकाम रहा है। रिपोर्ट में ये भी माना जा रहा है कि किसान मान धन योजना के नाम पर किसानों को पेंशन देने की योजना पूरी तरह नाकाम हो गई है। अब इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दी है कि देश के किसान अपने खिलाफ साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान संगठन ने DAP और NPKS उर्वरकों की कीमत में इजाफे को लेकर भी चिंता जताई है। DAP खाद की बोरी की कीमत 150 रुपए तक बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से अब इसकी कीमत 1350 रुपए हो गई है। अब किसान एक बार फिर मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना रहे हैं।